अब सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज टारगेट आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड लिया स्ट्रक्चर एक्टिविटी उसमें नोट करी अब हमारा टारगेट आइडेंटिफिकेशन होगा फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट स्टेप इन द डिस्कवरी ऑफ द ड्रग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अ डिजीज And the potential targets for the investigation. अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम वो पेट की दवाई लेंगे अगर हमारे गले में दर्द है तो हम गले की दवाई लेंगे That is the target identification हमारा होना बहुत जरूरी है अब अगर हमारे throat में infection है that means the drug will move only to the throat.

ग्रो हुए बैक्टीरिया के ऊपर मैक्सिमाइज टॉक्सिसिटी को क्रिएट करना है एंड द पाथ ऑफ द ड्रग फ्रॉम द माउथ टू द इंटेस्टाइन हैज टू क्रॉस डिफरेंट पीएच ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स सो वी हैव टू मेक द ड्रग इन सच अ मैनर कि उसका पीएच जो है वो हर कंडीशन में उस ड्रग की स्टेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करे नाउ आफ्टर द टारगेट आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स विद आइसोलेटिंग द फंक्शन ऑफ अ पॉसिबल थैरपेटिक टारगेट थैरियोपेटिक टारगेट हम क्या कहेंगे इट कैन बी अ न्यूक्लिक एसिड इट कैन बी अ प्रोटीन इट कैन बी अ जीन एंड इट्स रोल इन द डिजीज किस वजह से हमारी बॉडी में डिजीज डेवलप हुई है दैट वी हैव टू नो इट दैट मीन्स हमारा सबसे पहले टारगेट होना जरूरी है हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम कहते हैं हमारे पेट में दर्द है ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर हमें गले की दवाई दे, दे देगा नहीं ना तो उसी तरह हमें अपना टारगेट पहले डिसाइड कर लेना है वंस द टारगेट इज नोन दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट

then it will reach to the target and it should again attach to the target like a lock and key now an ideal target should be efficacious safe meet clinical and commercial requirement and the most important is एंड बी ड्यूरेबल ड्यूरेबल का यहाँ पे हमारा मतलब क्या है ड्यूरेबिलिटी हमारी वो जो ड्रग है जो हमने बनाई है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है वो पहुंचती भी है वहां कि नहीं पहुंचती अगर पहुंच रही है तो उससे अटैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है एंड द टेक्निक्स विच आर यूज फॉर द टारगेट आइडेंटिफिकेशन मे बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है उसका जेनेटिक्स क्या है उसकी बायोफिजिक्स कैसी है और अदर डिसिप्लिन दैट मींस हमने नेचुरल प्रोडक्ट से जो ड्रग बनाई उसे एक्सट्रैक्ट करा उसका बायो एक्टिव कंपाउंड लिया, बायो एक्टिव कंपाउंड के बाद हमने उसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी देखी फिर हमने उसका क्यू एस ए आर किस क्वांटिटी में है और उसकी वैलिडिटी क्या है वो किस टारगेट को यूज़ कर रहा है और ये जो टारगेट है वो किसको देख के उस वो देखता है वो देखता है यूज टारगेट आइडेंटिफिकेशन जब हम टारगेट को ढूँढेंगे तो ये टारगेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मा बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स बायोफिजिक्स एक्सेट्रा

जैसे लॉक एंड की में हमें अटैच करना है इट शुड बी लाइक दैट द ड्रग शुड स्मूथली गो टू द टारगेट फिक्स इट टू दॉक एंड इट शुड ओपन इट द लॉक राइट जैसे हम ताला नहीं खोल पाते हैं तो हमें चाबी हम बदल लेते हैं हम क्या करें हमने गलत चाबी लगा दी सो द टारगेट शुड बी लाइक दैट ओनली दैट द ड्रग विच इज मूविंग फ्रॉम माउथ टू दगेट इट शुड हैव to be fixed to the receptor. Receptor हमने आपको बताया था क्या होता है Proteins है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में एंजाइम्स है अगर हम एक एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से हमें बुखार आ रहा था तो हमारा बुखार उतर जाएगा राइट right? नाउ the validation ऑफ द ड्रग्स एफिकेसी एंड toxicity इन न्यूमरस डिजीजेस relevant मॉडल्स एंड एनिमल मॉडल्स इज एक्सट्रीमली वैल्यूबल हम किसके ऊपर हम ये जो है वो ड्रग दे रहे हैं उसकी वेलिडिटी क्या है दल्टीमेट टेस्ट इज वेदर द ड्रग वर्क इन अ क्लिनिकल सेटिंग वो जो हम चाहते हैं हम अपना बुखार को उतारना चाहते हैं क्या वो क्लिनिकली वो ड्रग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है Now, the next, third is identification of lead. अब हम lead के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं बायो एक्टिव अब समझ में आया हम चाहे तो बायो एक्टिव लिखे चाहे हम उसको लीड लिखें हमें कोई भी उसकी एक मोईटी चाहिए तो पहला हमने टारगेट ढूंढा फिर हमने उसकी टारगेट के साथ जाने के बाद उसकी वैलिडिटी ढूंढी, फिर तीसरे में हम आए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीड कंपाउंड दैट मींस जो हमने बायो एक्टिव कंपाउंड निकाला था वो हमारा कितना एक्टिव है सो नाउ अ केमिकल लीड इज डिफाइंड एज अ सिंथेटिकली जो लीड कंपाउंड होता है उसको स्टेबल होना चाहिए उस क्यों स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इट हैज़ टू रीच द टारगेट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट पीएच इट शुड बी स्टेबल फिजिबल एंड ड्रग लाइक मॉलिक्यूल एक्टिव इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एसेज विद एक्सेप्टेबल स्पेसिफिसिटी कोई और चाबी उसमें नहीं लग सकती है तो उसकी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर एफिनिटी होनी चाहिए उसके अंदर सेलेक्टिविटी होनी चाहिए फॉर दी टारगेट रिसेप्टर दैट मीन्स अब हम टारगेट पे पहुंचे ये टारगेट हमारा वो रिसेप्टर है और ये रिसेप्टर क्या है हमारे प्रोटीन्स हैं ये रिसेप्टर क्या है हमारे एंजाइम है सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो एक्टिव कंपाउंड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हमें बायो एक्टिव कम्पाउंड नहीं मिलेगा तो हम ड्रग को सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जो बायो एक्टिव कम्पाउंड है जो हमारी डिजीज़ को क्योर कर रहा है वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है